इंसानी यबकाउ कवली। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जो हमारा आज का नॉवल है, दैट इज सन्स एंड लवर्स। पहले डी एच लॉरेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ही वाज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1885 इन ईस्टवुड। ही बिकेम अ टीचर एंड रॉट स्टोरीज द व्हाइट पीकॉक एंड द ट्रेपेसर। ही मेट फ्रीडा वॉन रिचथोफन एंड गॉट मैरिड। हिज लास्ट नॉवल लेडी कैटरलीज लवर, ही डाइड इन 1930 इन फ्रांस। द नॉवल, इट इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1913 एंड टॉक्स अबाउट हिज क्लॉस्ट्रोफोबिक रिलेशनशिप विद हिज मदर। पॉल मॉरल, द प्रोटेगनिस्ट, फील समथिंग फॉर मैरियम एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रियल फ्रेंडशिप विद जैसी चैम्बर्स। द बुक इज सेट इन अ कम्युनिटी सिमिलर टू ऑथर्स बर्थ प्लेस। कहानी के अंदर ये जो पॉल मॉरल है, दैट इज द हीरो, जो कि उसको मैरियम के में कुछ अट्रैक्शन फील होती है, और यही दिस इज बेस्ड ऑन रियल फ्रेंडशिप विद जैसी चैम्बर्स। और ये सेम यही फ्रेंडशिप थी जो कि वो जैसी चैम्बर्स में फील किया करता था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। लॉरेंस नॉवल बिगिंस इन 1885 एंड एंड्स इन 1911। ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिश माइनर्स ट्राइड टू ऑब्टेन अ बेटर पे एंड सेफर वर्किंग कंडीशन। लॉरेंस ने ये नॉवल जो है 1885 में लिखना शुरू किया और इसको 1911 में उसने खत्म किया। और इस टाइम में ब्रिटिश माइनर्स जो हैं, उन्होंने पूरा कोशिश की थी, माइनर्स यानी कि ये जो कोयले की कान को खोदने वाले होते हैं उनको माइनर्स कहा जाता है, तो उन्होंने एक बेटर पे ऑब्टेन करने की कोशिश की थी और सेफर वर्किंग कंडीशंस को जो है वो मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। प्लॉट देख लेते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ था। द स्टोरी टॉक्स अबाउट मॉरल्स फैमिली। स्टोरी के अंदर हम मॉरल्स फैमिली देखते हैं, गर्ट्रूड कॉपार्ड, बॉर्जिस वीमेन एंड वॉल्टर मॉरल माइनर मेट एट क्रिसमस पार्टी एंड अ ईयर लेटर ईयर आफ्टर दे वर मैरिड। जर्ट्रूड कॉपर्ड जो कि एक बॉर्जिस वीमेन थी, और वॉल्टर मॉरल जो कि एक माइनर था यानी कि कोयले की कान खोदने वाला था, वो किसी क्रिसमस पार्टी में मिलते हैं और आफ्टर अ ईयर वो शादी कर लेते हैं। इनकी मोहब्बत की शादी होती है एंड दे हैड फोर चिल्ड्रन, विलियम, आर्थर, एनी एंड पॉल। पॉल वॉज सिमिलर टू हिज मदर। पॉल अपनी माँ, बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। ही लव्ड पेंटिंग एंड वर्क इन नॉटिंगम। ही हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिज मदर। इनफैक्ट ही वॉन्टेड दैट शी लिव फॉर एवर विद हिम। और वो यही चाहता था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ ही रहे। वन डे पॉल एंड जर्ट्रूड वेंट टू विलीज फार्म एंड हियर पॉल मेट मैरियम, अ यंग गर्ल। वहां पे एक पॉल और जर्ट्रूड जो है एक विलीज फार्म पे जाते हैं, और वहां पे पॉल जो है वो एक यंग गर्ल से मिलता है जिसका नाम मरियम है। दे फेल इन लव, बट सम टाइम ही हेटेड हर, इवन ही इफ ही फेल्ट टू बिलोंग टू हर हु वांटेड अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वो उससे जो है नफरत करने लग जाता है जब वो ये देखता है कि वो एक ऐसी लड़की से बिलोंग करता है जो कि एक स्पिरिचुअल लव जो है वो चाहती है। थैंक्स टू मरियम ही मेट क्लारा डेविस। और जो है मरियम को छोड़ने के बाद, थैंक्स टू मरियम यानी कि मरियम को खुदाफिस करने के बाद, वो जो है क्लारा ड्यूस से मिलता है, अ मैरिड वीमेन हु ब्रोक ऑफ विद हर हस्बैंड, जिसकी अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुकी होती है। पॉल वाज अट्रैक्टेड बाय क्लारा बट शी एडवाइज हिम टू गो टू मरियम। पॉल जो है वो क्लारा की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बट उसको एडवाइस किया जाता है कि वो मरियम के पास वापस चला जाए। पॉल एंड मरियम हैड अ रियल लव स्टोरी बट आफ्टर सम टाइम दे ब्रोक अप बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड। और उन दोनों की रियल लव स्टोरी होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद ही वो अलहदा हो जाते हैं क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। एंड द डे आफ्टर ही बिगेन अ सीक्रेट लव स्टोरी विद क्लारा। और उसके बाद उसकी सीक्रेट लव स्टोरी विद क्लारा स्टार्ट होती है। व्हेन देयर पैशन फिनिश्ड एंड बेक्स्टर डिस्कवर्ड द स्टोरी, दे ब्रोक ऑफ एंड शी रिटर्न टू हर हस्बैंड। और जब उनका पैशन खत्म हो जाता है और बेक्स्टर को वो पूरी स्टोरी पता चलती है, तो वो ब्रोक ऑफ कर देते हैं और वो अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाती है। व्हाइल पॉल वॉज लविंग क्लारा, हिज मदर गॉट इल।
She had a cancer, and when she got worse, Annie and Paul killed their mother, giving her morphine, so she died the day after. जो इसकी माँ होती है, पॉल की माँ होती है, वो बहुत ज्यादा जो है इल हो जाती है, क्योंकि उसको जो है वो कैंसर हो जाता है और वो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में होती है. तो उसकी बहन एनी और पॉल जो है वो अपनी माँ की ये मिजरेबल कंडीशन नहीं देख पाते, तो वो उसको बहुत ज्यादा मॉर्फीन दे देते हैं और उनकी माँ जो है वो अगले ही दिन मर जाती है. पॉल वॉज अलोन एंड डेस्परेट बिकॉज ऑफ हिज मदर्स डेथ, सो ही थॉट दैट मरियम कुड हेल्प हिम. दे मेट फॉर द लास्ट टाइम, शी वॉन्टेड टू मैरी हिम बट ही रिफ्यूज, सो फाइनली पॉल डिसाइडेड टू फेस द सिचुएशन विद करेज. पॉल जो है वो अकेला होता है और डेस्परेट होता है अपनी मदर की, बिकॉज ऑफ हिज मदर डेथ, बट वो ये सोचता है कि शायद मरियम उसकी कुछ हेल्प कर सकती है. वो आखिरी दफा मिलते हैं, वो उससे शादी करना चाहती है पॉल से, बट ये जो है फाइनली उसको रिफ्यूज कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ये सिचुएशन सारी उम्र ऐसे ही फेस करेगा. इसके मेन फीचर्स जो हैं वो देख लेते हैं कि सोशल डिफरेंसेस हैं मिस्टर एंड मिसेस मोरल में, यानी कि दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड में स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क था. ईडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि फ्रूडियन थ्योरी है वो दिखाया गया, जिसमें बेटे की अपनी माँ से मोहब्बत दिखाई गई है और जिसमें वो अपने बाप से नफरत कर बैठता है. सोशल एंड रोमांटिक बॉन्डेजेस दिखाए गए हैं. कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बॉडी एंड माइंड दिखाया गया. अब देखते हैं कि ये जो नॉवल है सन्स एंड लवर, इज इट अ साइकोलॉजिकल नॉवल? तो अगर इसको देखा जाए कि ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है, तो इट वॉज पब्लिश्ड ओनली अ फ्यू इयर्स आफ्टर द आइडियाज ऑफ एस फ्रूड एंड द राइटर्स बिगेन टू इन्फ्लुएंस बाय फ्रूड थ्योरी ऑफ ईडिपस कॉम्प्लेक्स. और ये जो मतलब जो राइटर ने इसको ये जो कहानी लिखी है, ये फ्रूड थ्योरी ऑफ ईडिपस कॉम्प्लेक्स से जो है इन्फ्लुएंस होकर लिखी है. इन दिस नॉवल द मेन कैरेक्टर इज द मदर हु हैड अ बैड मैरिज and she tries to be happy by eating up her son's life. और इसके अंदर जो है दिखाया गया है कि एक मदर है, उसकी मतलब बैड मैरिज है, यानी कि उसका जो हस्बैंड है उसके साथ उसका जो है हैप्पी मैरिज नहीं है, तो वो क्या करती है कि वो अपने आप को डिवोट कर लेती है अपनी बेटों के साथ, और वहां से जो है वो अपने सन्स की लाइफ यानी कि अपने बेटों की लाइफ जो है वो खा जाती है, यानी कि उनको वो ये इख्तियार ही नहीं देती कि उसके बेटे जो है अपनी माँ के अलावा किसी और से मोहब्बत करें. नॉर्मली दैट इज द सिचुएशन जो कि हमारे घरों में भी टिपिकली देखी जाती है कि जब बेटी की शादी होती है उसके बाद भी ये वाला एटीट्यूड देखा जाता है मदर्स के अंदर कि दे मतलब वो ये चीज बाज़ औकात अगर मतलब इफ दे हैव नो साइकोलॉजिकल इशू देन, बट इन फैक्ट वो ये चीज नहीं बर्दाश्त कर पाती कि उनका जो बेटा है ही स्पेंड्स टाइम विद हिज वाइफ. तो यहाँ पे भी वही चीज दिखाई गई है. द टाइटल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉल की भी लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो दो दफा पॉल मोहब्बत कर बैठता है लेकिन उसकी माँ उसको अलाउ नहीं करती कि वो शादी करें. उसके बाद टाइटल देख लेते हैं. लॉरेंस रोट द नॉवल फोर टाइम्स. एट द बिगिनिंग द टाइटल वाज पॉल मॉडल बट फाइनली इट वाज कॉल्ड सन्स एंड लवर्स. शुरू में इसका टाइटल जो है पॉल मॉडल लिखा गया लेकिन बाद में इसको सन्स एंड लवर्स का नाम दे दिया गया. स्टाइल देख लेते हैं. इट इज रिटन यूजिंग नॉटिंगहैमशायर डायलेक्ट. इसको नॉटिंगहैमशायर डायलेक्ट में लिखा गया. द ऑथर यूजेस ऑलवेज द वर्ड नैश. लॉरेंस adopts the omniscient narrator. Lawrence ने omniscient narrator जो है वो इसके अंदर adopt किया. There is also the cinematic technique in the description. Picturesque या cinematic technique use की गई है description में. It is structured episodically और इसको episodically structure किया गया. Parallelism. We can make a parallelism between Dickens and Lawrence. Dickens in Hard Times wrote a description of Coke Town that is similar to Lawrence's description of the industrial setting, Nottinghamshire coal fields in the first chapter. Movie देख लेते हैं. The Sons and Lover inspired also a movie in 1960 directed by Jack Cardiff with Dean Stockwell as Paul and Wendy Hiller as Gertrude.
और इसमें जो है ये एक्ट्रेस के नाम है डीन स्टॉकवेल और वेंडी हिलर जो है उनके ऊपर ये कहानी जो है वो फिल्माई गई थी और ये इसका एंड हो चुका।